हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कूलर का वायरिंग कैसे किया जाता है, जो कि एनिमेशन डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे। तो ये वायरिंग टाइप वन है। टाइप वन इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे, क्योंकि इसमें तीन स्विच हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक स्विच जो है स्लो फास्ट का है। यानी कि आप ये वीडियो जो है हम स्लो फास्ट वाली वायरिंग का करेंगे। अगर आपके कूलर में इस तरह का सेटअप नहीं है, मतलब तीन बटन नहीं है उसके अंदर तीन स्विच, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर दो स्विच और एक इंडिकेटर है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो है स्लो फास्ट वाला नहीं आएगा। तो ये वीडियो जो है टाइप टू आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वायरिंग में क्या क्या पार्ट्स यूज़ हो रहे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा थ्री पिन टॉप प्लग आपको लेना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड केबल का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता हमारा वाटर पम्प, यानी कि सबमर्सिबल पम्प आपको लेना है, जो कि पानी नीचे का ऊपर लेके जाता है, फिर वो साइड में टट्टियाँ पे गिरता है ठंडा करने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्विच। तो इसमें आपको दो वन वे के स्विच लेना है, जिसमें एक पंप को ऑन ऑफ करने के लिए और एक फैन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। और एक जो स्विच है आपको टू वे का लेना है, जिसको जिससे हम जो है मोटर को फैन को स्लो फास्ट कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट में आता है मोटर, तो ये जो है फैन मोटर, ये इसमें आपको चार वायर मिल जाती है, जिसमें एक कॉमन वायर आती है ब्लू वाली, एक ब्लैक वाली आती है हाई स्पीड की, और एक रेड वाली आती है लो स्पीड की, और एक सबसे सफ़ेद वाली आती है जो कि मीडियम स्पीड की। जो मोटर में वाइट वाली मीडियम स्पीड की वायर है, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। टू वे स्विच के अंदर हम हाई स्पीड यानी ब्लैक वाली और लो स्पीड यानी कि रेड वाली, ये दो यूज़ का हम यूज़ करेंगे। आप जो है वाइट वाली वायर को, मीडियम वाली वायर को छोड़ दीजिए। हम इसमें तीन ही वायर का यूज़ करेंगे, कॉमन हाई लो। दोस्तों, सबसे पहले हमें फेस वायरिंग कंप्लीट करनी है। तो जो हमारा थ्री पिन टॉप प्लग है, उसके पी वाले यानी कि फेस वाले पॉइंट पे आपको एक वायर कनेक्ट करनी है, और उसे लेके जाना है पंप के वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देना है। उसी पॉइंट पे आपको एक लूप कनेक्ट करना है, यानी कि एक छोटी सी वायर जोड़ देनी है, और उस वायर को लेके जाना है जो हमारा फैन मोटर का बटन है, यानी कि वन वे स्विच है, उसके नीचे वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देना है। उसी स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है, आपको वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करनी है, और उसे ज्वाइंट करके वहाँ से लेके जाना है हमारा जो टू वे स्विच है स्लो फास्ट वाला, उसके बीच वाले पॉइंट पे। फिर आना है हमें फैन मोटर के ऊपर, जो हमारा ब्लैक वाला वायर है मोटर का, हाई स्पीड वाला यानी जिस पे हाई लिखा हुआ है ब्लैक वाला, उसे लेके जाना है। हमारा जो स्लो फास्ट यानी टू वे का जो स्विच है, उसके नीचे वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देनी है। फिर से दोबारा फैन मोटर पे आना है, उसके जो लो वाला यानी कि रेड वाला वायर है, उस पर आपको एक वायर कनेक्ट करनी है, और उसे लेके जाना है हमारा जो स्लो फास्ट वाला स्विच है टू वे का, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ तक कि हमारा स्लो फास्ट वाला वायरिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है फैन मोटर का। इतना होने के बाद में हमें आना है समरसेबल पंप के ऊपर। जो हमारा समरसेबल पंप है, उसके दो वायर मिल जाएंगे आपको, एक रेड और ब्लैक। तो उसमें जो रेड वाला वायर है, आपको वहाँ पे वायर में से कनेक्ट करना है, और उसे लेके जाना है हमारा जो पंप का वो बटन है स्विच का वन वे का, वहाँ पे आपको देखिए ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है। यहाँ तक कि हमारी जो फेस वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें जो है न्यूट्रल वायरिंग करना है। तो फिर से हमें आना है थ्री पिन टॉप प्लग के ऊपर, जो एन वाला पॉइंट है, आपको एन वाले पॉइंट पे वहाँ से वायर कनेक्ट करनी है, और उसे लेके जाना है हमारा जो, देखिए इस तरह से वायर कनेक्ट कर दीजिए, और उसे लेके जाइए आप जो कॉमन वायर है हमारा फैन का, फैन मोटर का ब्लू वाले, वहाँ पे आप जो है इसे ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ से आपको एक लूप कनेक्ट करनी है वायर की, और उसे लेके जाना है हमारा जो समरसेबल पंप है, उसके इस वाले पॉइंट पे आपको जो है ब्लैक वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देनी है वायर पे। तो यहाँ तक कि हमारा ये वायरिंग हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट में हमारा बचता है अर्थ, तो इसे जो है ज़मीन अर्थ देना होता है हमें। जो हमारा थ्री पिन टॉप प्लग है, उसके बीच वाले पॉइंट से आप देखिए वायर लेके आइए, एक वायर जो है मोटर के बॉडी पे आप टच कर दीजिए, और एक जो वायर है कूलर के बॉडी पे टच कर दीजिए अर्थ वाला। तो इस तरह से जो हमारा वायरिंग होता है। तो ये जो हमने वायरिंग किया, ये स्लो फास्ट वाला वायरिंग है, जिसमें आपके तीन स्विच इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको इस तरह का वायरिंग नहीं चाहिए, जिसमें तीन स्विच यूज़ हुए स्लो फास्ट वाला, अगर आपको इंडिकेटर वाला चाहिए, यानी कि इसमें दो स्विच और एक इंडिकेटर, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा टाइप टू। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो। दोस्तों, ये डायग्राम अगर आपके काम का है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।